डिनर साहब साहब छोटा रावण आ रहा साहब छोटा रावण आ रहा छोटा रावण अरे तू इधर छुपेगा तो मैं कहां छुपूंगा नहीं तो आप कहे तो ऑफिस खाली करके चले जाएं। नहीं तो और क्या चाहिए दादा आपको? हम इधर एक जरूरी काम से आया हूं। हुकुम दादा बताइए मुझे क्या काम करना है। बताते हैं हम आजकल कविता लिखना शुरू कर दिया हूं। हम ये पहले से ही डिसाइड किया था कि तुम गिर पड़ेगा। मेरा कविता सुनने से पहले गिर पड़ा, सुनने के बाद तुम्हारा क्या होगा? अरे सुनाइए दादा सुनाइए। जरा ठहरिए। वाह 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 वाह। चुप, अभी मैं कविता शुरू ही नहीं किया हूं। अच्छा जी। हाँ तो पेश करते हैं। हमारी एक छोटी सी बहना। वाह 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 वाह। छोटी सी बहना, सिस्टर सेंटीमेंट्स लगता है। आगे पढ़िए आगे पढ़िए। हमारी एक छोटी सी बहना। वाह वाह वाह। छोड़ रही है आज हमारा अंगना। वाह 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 वाह। उसकी शादी है हम पे उधार। करूंगा मैं उसकी शादी बार बार लगातार हजार बार। वाह 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 वाह। लीजिए। बहन की शादी करेगा बार बार लगातार हजार बार। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है हुजूर। क्या सचमुच बहुत अच्छा है? भाई की तमन्ना है कि उसकी बहन की शादी बार बार लगातार हो। अरे इतनी हिम्मत हर भाई में होती कहाँ है। बहुत खूब जनाब बहुत खूब। तो हमारी कविता अपनी मैगजीन में डिसाइड करोगे ना? इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है? मुझे भी तो रास्ते से चल के घर जाना है। क्या? नहीं हाँ छापूंगा जरूर छापूंगा। वादा? हाँ दादा। तो हमारी कविता के नीचे हमारा नाम और पता छाप देना ताकि सबको हमारा एड्रेस डिसाइड हो जाए। हाँ दादा बिल्कुल वैसा ही होगा। नमस्ते। अरे आंखों में फिर चमक। अरे रे रे, बदन में से धुआं भी। अरे बाप रे इतना धुआं। ये धुआं नहीं मोहब्बत की गर्मी है। क्या? हाँ आए लव यू। क्या कहा? सच, ये पहली नजर का प्यार है। एक बार हाँ कह दो ना। हाँ कह दो ना। ये सच कह रहा है। हाँ? ये तुम्हें ऐसे चाहता है जैसे एक बच्चा रोटी को चाहता है, एक बेकार नौकरी को चाहता है। हाँ कह दो ना भाभी जी। अबे भाभी जी किसको बोला रे? इधर ही दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। अरे तू कहाँ बीच में आ रहा है? मैं इसको लाइन पर लाता हूँ ना। तू मुझे लाइन पर लाएगा? हाँ? मालगाड़ी का डब्बा समझाए क्या? नहीं प्रेम गाड़ी का, लव गाड़ी का। अरे चल फुट पतली गली ना, नहीं तो इधर ही तेरा प्रेम लव ना सब निकाल डालूंगी। अरे कैसी बातें करती हो, कुछ दूसरी बात करो ना। दूसरी बात? हाँ? अभी करती हूँ। गेट लव। ये है दूसरी बात। मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, उसका जवाब दो ना। ऑल राइट, तो मेरा जवाब ये है कि मैं तुमसे प्यार इस जन्म में तो क्या आने वाले 10 जन्मों में भी नहीं करूंगी। अरे ना सूरत ना हुलिया ना शक्ल, और लड़की को कहता है प्यार करने बाहर चल। हरे हट, गाड़ी खराब हो जाएगी। हाँ हाँ मालूम है आज तुम मेरे प्यार को क्यों ठुकरा रही हो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है ना। थोड़े ही दिनों में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, स्वर्ण पैलेस खरीदूंगा और फिर मेरे पीछे आई लव यू कहती फिरोगी। हाँ अब अकुम अकुम। क्या हुआ? मैं 5 करोड़ के बारे में तो भूल ही गया। हाँ? और प्यार के साइड ट्रैक में चला गया। हाँ? अरे पांडू हाँ? ये 5 करोड़ कैसे कमाऊ रे? गुरु चाकू जैसा तेज आइडिया। अकुम अकुम। ये क्या है? 100 रुपए निकाल। किस बात के 100 रुपए? बस चाकू टेबल पर लगा तो 100 रुपए देना ही पड़ेगा। Thank you.
अबे ओए, मालूम ये कौन? कौन? छोटा रावण। अरे हट, मालूम है कौन? कौन? बड़ा रावण। चुप, चुप करना। क्यों बे? हमारे एरिया में तू माल वसूल करने का डिसाइड किया? ऐसी बात नहीं गुरु, मुझे 5 करोड़ की अर्जेंट जरूरत है ना, मैं समझा यही तरीका अच्छा है। 5 करोड़ काय के लिए? स्वर्ण पैलेस खरीदने के लिए। स्वर्ण पैलेस को डिसाइड किया? भेजा खोपड़ी से खिसक गया? नहीं गुरु, असल में पैलेस हमारा है। ये छोकरा वाकई में पागल लगता है। थोड़ा तमाशा देखते हैं। ए छोकरा, हम जैसे कहता हूँ अगर तुम वैसा ही करेगा तो हम तुमको 1 लाख पैसा दूंगा। 1 लाख पैसा? ये आने के 1000 रुपया। 1000 रुपया? ठीक है गुरु, जो तुम कहोगे वैसे ही मैं करूंगा। डिसाइड करूंगा, डिसाइड करूंगा। चल आजा आजा आजा। अकुंबको, फॉलो मी। हम यहाँ मीटिंग करने का डिसाइड किया, चलो भागो यहाँ से। चल बे हीरो, चल लफंटिया हट। डाल क्यों रे? स्वर्ण पैलेस खरीदेगा? उका ब्लेड है का जो दुकान से खरीद लेगा? ब्लेड खरीदने का पैसा है का? अकुंबकुम अकुंबकुम ई का बला है। 1000 रुपए मिलेगा? 1000 रुपया? हाँ। मिलेगा मिलेगा। पहले हमारे ये जूता साफ कर। अकुंबकुम। नहीं, ये क्या कर रहा है सुरेश? तू किस खानदान का खून है तू और जूते साफ करेगा? मैं इसकी बात मानूंगा जिसने कहा है कि मुझे 1000 रुपए देगा। इस तरह 1000-1000 इकट्ठा करके मुझे 5 करोड़ जमा करने हैं, पैलेस खरीदना है और माँ को उस पैलेस में वापस ले जाना है। इसलिए जूता तो क्या पांडू, अगर वो पैर दबाने को कहेगा तो वो भी करूंगा। मुझे छोड़ दे। सुरेश, ये वाला। आप साहब, ये लो पार्टनर, रगड़ लो। नहीं गुरु। अरे 1000 रुपया नहीं चाहिए का? चाहिए तो। तो जल्दी से डिसाइड कर लो। नहीं गुरु, जिद मत करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। पछताना पड़ेगा? क्या हो जाएगा? मूड आ जाएगा, आसानी से मुंह से कविता निकलेगा। ये लो, रगड़ लो, रगड़ लो। सूरज, क्या कर रहा है तू? पैसों के लिए शराब पिएगा तू? पैलेस खरीदने के लिए शराब तो क्या, मैं जहर भी पी सकता हूँ। लेकिन सूरज, सूरज। अरे ये क्या डिसाइड कर दिया? अरे ये शराब का पहला उसूल है, जिसकी पियो शराब उसका ही घर करो खराब। अरे तूने मुझे दोबारा मारा। अगर मैं तेरी शराब पी के इन लोगों को मारूं तो तेरी इज्जत कहाँ रहेगी, इसलिए मैं तुझे मार रहा हूँ। ऐसा लगता है कि सुसरे के भेजे में शराब चढ़ गई है। पतली गली निकल। अरे रावण भाई, अरे मेरा 1000 रुपया। Where is my 1000 rupees? मैं कल डिसाइड करूंगा। अरे एडिटर, आजा आजा। तो हमारी कविता का क्या डिसाइड किया बे? लो, तो क्या आपको पता नहीं? अरे आपकी कविता तो हमने पिछले हफ्ते ही छाप दी। ये देखो। देखा मेरा चेलो, हमारी कविता और हमारा नाम कितने बड़े बड़े अक्षरों में छापा है इसने। पूरे शहर के अंदर हमारे नाम का डंका पिट जाएगा। रावण भैया, तुम्हारे लिए पोस्टल वैन आ रही है। तू? अरे हमारे लिए आएगी तो पुलिस वैन आएगी। ये पोस्टल वैन क्यों आएगी? नमस्ते छोटा रावण जी, आपके लिए 5 थैले भर के लेटर आए हैं। 5 थैले? अरे इसमें अचरज की क्या बात है, अभी पिछले हफ्ते ही आपकी कविता मेरी मैगजीन में छपी है।
तो कविता के रसिया लोग आपकी कविता पढ़ के आपके नाम के दीवाने हो गए होंगे। एक ही कविता से आप इतने पॉपुलर। अरे पांच थैले भर के पत्र। मेरा सर एडिटर साहब ये सब आप डिसाइड किया है? ए, तू क्या पारसी के पुतले की तरह बैठा है? चल लेके चिट्ठी उठा और पढ़ना शुरू कर। श्रीमान छोटा रावण साहब। वाह 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 वाह। आगे सुनो, आगे चल बोल। पिछले हफ्ते मैंने आपकी कविता बहन की शादी पढ़ी। वाह 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 वाह। बहन की शादी बार बार करेगा अबे गधे। वाह 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 वाह। नीच कमीने। वाह 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 वाह। सुअर, तेरी अधजली लाश कुत्ते खाएंगे। अकुम अकुम। छोटा रावण तेरी तो गुरु इसमें तो असली गाली लिखी हुई है। का बोला तू एडिटर का बच्चे कि लोग हमारी कविता के दीवाने हो गए? बोला तो था। जब हमारी कविता लोगों को समझ में आने के लायक नहीं थी तो छापा कैसे? वो तो मशीन में डाला, अपने आप छप गई। ले चलो इस एडिटर को, हम डालेगा साले को मशीन में। मेरे 1000 रुपए। पहले हम इसका डिसाइड करूंगा, फिर तुम्हारा डिसाइड करूंगा। कब करेंगे? डिसाइड करूंगा, तब तक यहीं खड़ा रहे पुतले की तरह। ओके। ए एडिटर, अब हम तेरा डिसाइड करूंगा। तो क्या आप मेरा मर्डर करेंगे? हम तेरा मर्डर नहीं करूंगा, बल्कि तेरे से मर्डर करवाऊंगा। अरे हम तेरे को कवि बनाने को बोला, तू हमको बदनाम किया, अब हम तेरे को खूनी बनाएगा। ये बूट क्या है, ये जींस क्या है, ये गधा क्या है, कितने मजे से मैं पंखे के नीचे बैठकर अखबार के लिए एडिटोरियल लिखता था। इन गुंडों ने मुझे एडिटर से फाइटर बना दिया। ये मुंह की थैली से कैसा शब्द गिरा रहा है? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं गिरा रहा हूँ। एक और मर्डर करेगा? नहीं, एक ही मर्डर करके मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। दूसरा कर ले, बाहर से भी तड़पेगा। नहीं। चुप। अरे ये देख, 10 बैच की ठोकरियां आ रही है। चलो जरा डट कर डिसाइड करना। इंस्पेक्टर रंजीत स्लीपिंग। सॉरी सॉरी, इंस्पेक्टर रंजीत स्पीकिंग। अभी आया। इंस्पेक्टर रंजीत आ रहा है। अबे ड्रामा शुरू कर। दुर्योधन, तू कहा है को इस गधा को आटे की तरह गूंद रहा है? हम इस गधा से तेरा झंगा तोड़ने का। एक क्या धांधली हो रही है? धांधली नहीं हो रही साहब, हम लोग क्या है कि महाभारत का ड्रामा खेल रहे हैं। महाभारत का ड्रामा? लेकिन मुझे तो किसी ने फोन पे खबर दी थी कि यहाँ बहुत जबरदस्त कुछ दंगा हो रहा है। कौनो गलत खबर दिया है साहेब? कौनो गलत खबर दिया है साहेब? ये कौन खड़ा है पुतले की तरह? वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। कृष्ण कन्हैया साहेब। हेलो हेलो। तो फिर इसकी बांसुरी कहाँ है? ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। इसके लिए ही बांसुरी की जगह गधा उठा लिया है, ज्यादा मजबूत है ना। ओके 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 ओके। बहुत मजबूत है। ये लड़की कौन हो तुम? लगता है इन्हें ना महाभारत पढ़ा है ना बी आर चोपड़ा का टीवी सीरियल देखा है। ये है द्रौपदी। नमस्कार। आगे से बाल बांध कर रखा करो मेरी तरह। और इन इन हथियारों को खुलेआम लेकर सड़क पर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? का ये हथियार? अरे हथियार तो चक्कू बम और पिस्तौल को कहते हैं। तू ड्रामे वाले गधे को हथियार डिसाइड किया? इको
ये क्या, मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ, ये उल्टा मुझसे पूछ रहा है? इसकी ये हिम्मत? शहर के नागरिकों को पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हमेशा दांत पाड़ता रहता है। शट अप! ये सब कहाँ गायब हो गए? इसी का नाम है इंस्पेक्टर रंजीत, जिससे आज तक कोई नहीं सका जीत। मेरे क्रोध की ज्वालामुखी से घबराकर सब भाग गए। पीछे मुड़, श्रीमानी भाग। अरे सुनिए सुनिए, भाग, भाग, जीप इधर है। अरे जीप बाद में, पहले भाग, हट जाओ पीछे।